वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ जो कि डीडी फ्री डिश के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुई है। आप लोग देख सकते हो, मैं डीडी फ्री डिश के ऑफिशियल वेबसाइट doordarshan.gov.in पे हूँ और यहाँ पर आप लोग नीचे ये देख रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट ऑर्डर एंड सर्कुलर फ्लैश हो रहा है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या इम्पोर्टेंट ऑर्डर और सर्कुलर आए हैं, अब कौन सा ऑक्शन होने वाला है और कौन से नए चैनल्स ऐड होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब के चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केबल टीवी आप लोगों को सबसे जल्दी पता चल सके। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस ऑर्डर और सर्कुलर को ओपन करता हूं। तो गाइज, अभी आप लोग देखोगे तो यहां पर मेरे पास तीन सर्कुलर आए हैं जो कि नए हैं। ठीक है, ओके। एक तो है गाइज यहां पर नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम डिवोशनल सैटेलाइट टीवी चैनल फॉर अलॉटमेंट स्लॉट ऑफ डीडी फ्री डिश फॉर द पीरियड ऑफ 1/6/2019 टू 29/2/2020 थ्रू 40th ऑनलाइन ई ऑक्शन प्रोसेस। तो गाइज, 39th ऑनलाइन ऑक्शन जो हुआ था अभी तक उसके रिजल्ट नहीं आए हैं, बट 40th ऑनलाइन ई ऑक्शन प्रोसेस आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ये ऑक्शन जब होगा गाइज, इसके लिए एप्लीकेशन भी आप लोग देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर इसके लिए एप्लीकेशन भी मंगा ली गई है और यहाँ पर नोटिस आप लोगों का दिया गया था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेट है, जो टेंडर पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग इस टेंडर पे पार्टिसिपेट कर सके। गाइज, अब ये 40th इन ई ऑक्शन कब होगा और कब आप लोगों को न्यू चैनल देखने को मिलेंगे गाइज, और कितने न्यू चैनल देखने को मिलेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। ओके, एक बात ये बता दूं कि जो ये नए चैनल आएंगे गाइज, ये आप लोगों के 1 जून 2019 को आपके टीवी चैनल पे अपडेट हो जाएंगे। अभी आप लोगों का 4 मई चल रहा है, तो 4 मई है तो लगभग लगभग आज से 25 दिन बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 जून 2019 से आप लोग इन चैनल्स को देख पाओगे और कब तक देख पाओगे, 29 फरवरी 2020 तक आप लोग इन चैनल्स को देख पाओगे। इसका मतलब यह है कि गाइज लगभग लगभग 8 महीने के लिए ये ऑक्शन हो रहा है। चलिए अब इसके डिटेल्स में जाते हैं और डिटेल्स में मैं आप लोगों को समझाता हूं कि क्या क्या है इन ऑप्शन में। मैं इन तीनों लिंक्स को ओपन कर लेता हूं गाइज। नोटिस है यहां पर 40th ऑनलाइन ऑक्शन के लिए। चलिए देख लेते हैं नोटिस पे क्या लिखा गया है। सी नोटिस है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग भी मेरे साथ इसे पढ़ पाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 40th ई ऑनलाइन ई ऑक्शन प्रोसेस है ये, और जो टीवी चैनल्स होंगे गाइज वो आप लोगों के 1/6/2019 से 29/2/2020 तक के बीच में आप लोग इन चैनल्स को देख पाओगे। ठीक है, ओके। कौन से चैनल्स आएंगे गाइज? सी ओनली डिवोशनल स्पिरिचुअल स्लैश आयुष चैनल लाइसेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ IND वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दी 40th ऑनलाइन ई ऑक्शन। मतलब ई ऑनलाइन ऑक्शन पे गाइज खाली वही चैनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ IND के तहत आप लोगों के रजिस्टर्ड है। ठीक है, ओके। यहाँ पर देख लीजिए गाइस और क्या क्या लिखा हुआ है। रिवाइज प्राइस ई ऑक्शन फॉर द पीरियड, जो R1 स्लॉट के लिए रिवाइज प्राइस है वो 2.25 करोड़ है गाइस। चलिए देखते हैं गाइस, डिमांड ड्राफ्ट 1.2 करोड़। तो गाइज यहाँ पर तो सारा ये नोटिफिकेशन ही है, इस पे एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम लोगों के लिए। चलिए इस पे आप लोगों का क्या है, इस पे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है गाइज, तो एप्लीकेशंस यहाँ पर लगाए जाएंगे। जितने भी लोग इस पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गाइज वो लोग आप लोगों के इस फॉर्म के थ्रू एप्लीकेशंस लगाएंगे। ठीक है, और ये भी आप लोगों का एडवर्टीजमेंट ही है। हाँ, ये लिखा हुआ है कि गाइज
प्रसार भारती इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम डिवोशनल चैनल टू फिल अप बकेट R1 स्लॉट ऑफ DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म फॉर द पीरियड दिस टू दिस। अब गाइज इस पे आप लोगों के कितने चैनल्स आएंगे? मेरे हिसाब से डिवोशनल के आप लोगों के DD फ्री डिश पे 3 चैनल्स हैं, तो 3 चैनल्स के लिए ये ऑक्शन मंगाए गए होंगे। जब ये ऑक्शन का रिजल्ट आ जाएगा गाइस, तो हम लोगों को ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बट इतना तो कंफर्म है कि 1 जून के बाद आप लोगों को नए चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? होपफुली फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की गाइज, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो कि मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही दिखाई है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।